अगर आपने एक नया YouTube चैनल क्रिएट किया है और आप किसी रिलेटिव को या अपने फ्रेंड को बोलते हो भी मैंने एक चैनल क्रिएट किया, और जैसे वो YouTube पे जाके आपका चैनल को सर्च करता है, सर्च बार में डालता है और आपका चैनल सर्च बार में आता ही नहीं है, और अगर आता भी है तो बहुत ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है तो फिर कहीं जाके आपका चैनल सर्च में आता है। आप अपना चैनल सर्च बार में कैसे ला सकते हो? अगर फ्रेंड आप ये सोचकर मेरी वीडियो देख रहे हो भी मैं ये 24 घंटे में या कुछ घंटों में या एक दिन में दो दिन में आपका चैनल को आप सर्च लिस्ट में ला सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए आपको 5 से 10 दिन का टाइम देना पड़ेगा, और जो मैं आज की वीडियो कंप्लीट देखना, एक एक स्टेप फॉलो करना, और ताकि आप इसका जो डीप पॉइंट है उसको आप समझ सको और इजीली आपके चैनल को ग्रो कर सको। अपनी वीडियो को भी प्रमोट करने में यहाँ से मदद मिलती है। अगर आपका चैनल ही ग्रो नहीं होता, चैनल ही सर्च बार में नहीं आता, तो वीडियो रैंक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को ओके कर देना, ताकि मेरी जो नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और लाइक और डिसलाइक होता है फ्रेंड, जो YouTube की पॉलिसी है मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें हमें एक अधिकार दिया होता है कि हम सामने वाले की वीडियो के जो भी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको ये अधिकार है भी आप ये बता सको ये वीडियो कैसी है कमेंट में, अच्छी है तो अच्छी है, बुरी है तो बुरी है। कोई भी आपको कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो में जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आपको अगर फिर भी करने में कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी, पर्सनल मोबाइल नंबर भी दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से जाके मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं ले चलता हूँ आपको अपनी पीसी की स्क्रीन पे ऊपर। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आपने अपने मोबाइल में गूगल क्रोम पे जाना है, डेस्कटॉप मोड को ऑन करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, studio.youtube.in सर्च बार में डालना है, और सेम टू सेम जो मेरी आपके पीसी की स्क्रीन पे दिख रहा है सेम टू सेम आपका मोबाइल में खुल जाएगा, आप वहाँ से भी सेटिंग कर सकते हो। चलो फ्रेंड चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना और क्या नहीं करना। हेलो फ्रेंड, मैं आ गया हूँ अपनी पीसी स्क्रीन के ऊपर। मैंने गूगल क्रोम में जाना है, गूगल क्रोम पे जाके जहाँ पे वही जो मैं आपको कीवर्ड बताए थे studio.youtube.com, आपने सेम टू सेम इसको यहाँ सर्च कर लेना है। जैसे फ्रेंड आप सर्च करोगे तो आपके सामने आपका यूट्यूब का जो चैनल है उसका जो स्टूडियो है वो आप खुल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एक एक स्टेप ध्यान से फ्रेंड आपने फॉलो करना है। उसके बाद जहाँ एक सेटिंग का ऑप्शन रहेगा, सेटिंग के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। आपको ज़्यादा कोई छेड़खानी नहीं करनी, बाकी आप सेम टू सेम रखो, जितना बताता हूँ फ्रेंड आप उतना ही काम करो, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जहाँ से आप करेंसी का तो कोई मतलब नहीं है, अभी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो आप फिलहाल जहाँ पे आपने क्या करना है, कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं। जहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट कर ली, आप कहाँ के रहने वाले हो, जैसे मैं इंडिया का रहने वाला हूँ तो मैं ऑलरेडी जहाँ इंडिया सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है जी, मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड जी देखो मैंने कीवर्ड कैसे लगाए हुए हैं, तो जहाँ पे कीवर्ड का ऑप्शन रहेगा, जैसे मेरे चैनल का नहीं, मैं अभी से शुरू विदाउट स्पेस दिए, मैंने पहला अक्षर इनका बड़ा रखा और कॉमा दे दिया, जहाँ मैंने स्पेस दे के दे दिया, जहाँ मैंने ऑल अवॉर्ड जो मेरा एक दूसरा चैनल था उसके रिलेटेड मैंने 2 कीवर्ड दे दिए, जहाँ अभी से शुरू ए बड़ी दे दी, बाकी सारे छोटे दे दिए। अभी फिर मैंने ऐसे करके आपने जैसे हैज लगा के मैंने अभी से शुरू दे दिया, हैज लगा के ए बड़ी दे दी, एस बड़ी दे दी, इसके भी शुरू के भी एस बड़ी दे दी, इसका मैंने अभी से एस यू आर कलर पिछले जू काट दिया तो कॉमा दे दिया, अभी जैसे अभी मैंने अभी दे दिया, शुरू दे दिया। अभी मैं आपको और कीवर्ड इसके रिलेटेड लगा के दिखाता हूँ, जैसे मेरा नाम है सोनी, मैं इसका भी एक कीवर्ड दे सकता हूँ, ये देख मैंने कॉमा प्रेस करते हैं तो इसका कीवर्ड लग जाता है। अभी कोई सिलेक्ट कर सकता है ए बी अभी स्पेस से एस यू आर जू, ऐसा भी कोई सर्च कर सकता है, तो ऐसा भी मैंने एक कीवर्ड डाल देना है। और कैसा डाल सकते हैं हम, आपके चैनल का जो आपने चैनल का नेम रखा है उससे रिलेटेड आपने कीवर्ड जहाँ पे डालने हैं, ठीक है। यहाँ पे
ABI अभी से शुरू, ऐसा भी कोई ए मतलब विक्टर भाई बी से भी कोई सर्च कर सकता है, ऐसा मैंने डाल दिया। और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, सोनी पंजाब करके डाल देता हूँ मैं, ताकि ऐसा भी करने से सर्च बार में आ जाएगा। तो आप दोस्त फ्रेंड इस तरह तरीके से आप 500 वर्ड तक कीवर्ड दे सकते हो। वैसे इतने बहुत होते हैं, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपने जैसे कीवर्ड आपने यहाँ पे डाल दिए, उसके बाद दोस्तों आपने जहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक कर दोगे तो आपका ये काम हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपने और कुछ नहीं करना। अभी मैं आपको जहाँ पे मैं सर्च बार के दिखा देता हूँ, जो भी हमने ये कीवर्ड डाले हैं उसी से अपना ये चैनल जो अभी डाले हैं वो थोड़ा सा रैंक करने में थोड़े से कुछ दिन लेता है। जो अभी हमने कीवर्ड सेट की है ना, अगर वही कीवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे वो अभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो हम वीडियो टाइटल डिस्क्रिप्शन, टाइटल में तो देने की जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन और टैग में आप अपने चैनल को ना, चैनल का नेम जैसे अभी स्पेस से मतलब अभी लिखना है, फिर स्पेस देना, फिर से लिखना, फिर स्पेस देना, फिर शुरू लिखना, फिर कॉमा दे देना, ऐसे करके टैग में लगा सकते हो। और जो डिस्क आप उस पे लगाते हो उस पे आप हैज लगा के भी लगा सकते हो टैग, और डिस्क्रिप्शन में बगैर हैज से भी लगाओ, फ्रंट में मतलब लगाओ, बीच में लगाओ, ठीक है। ऐसे करके आप अपना लगा सकते हो। जैसे मैं अभी अभी से ठीक है शुरू यहाँ पे डालता हूँ, तो ये मेरा चैनल आप देखोगे तो मेरा चैनल फर्स्ट में आ जाएगा। ये देखो 97 वीडियो है। अभी मैं एक और विदाउट स्पेस दे के मैं डाल के दिखाता हूँ, क्योंकि वो मेरे कीवर्ड पहले के सेट हुए हैं वो इस वजह से आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये मैंने डाल दिया तो अभी से शुरू आ रहा है। अभी इसकी मैं अगर जू हटा देता हूँ, तो जू हटा देता हूँ तब भी ये देखो ये मेरे ऑल अवार्ड सब कुछ है ना, मैंने बताया था, तो इसके अभी ये आ चुका है, ठीक है, जो मैंने कीवर्ड वहां पे डाले हुए थे। तो आप इस तरीके से जैसे मैंने हैज करके एक अभी से शुरू डाला था, वो भी मैं आपको एक यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर कीवर्ड आप सिलेक्ट कर लोगे, जी देखिए ये अभी से शुरू है ना, 100 वीडियो एन चैनल लिखा हुआ, अगर हम इस पे भी क्लिक करते हैं इस पे पूरी A to Z मेरी ही वीडियो आएंगी जितनी भी हैगी है, ठीक है। ये देखो तो आप इस तरीके से आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दिया है वीडियो का, अपने मोबाइल नंबर दे दिया, तो वहां से जाके आप मेरे से कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।